मैं शकील अहमद अहंगर, आप लोग सब ही जानते हैं कि हमारे साथ कौन सा सानिया हुआ है और आज 9 साल गुजरने के बाद भी हिंदुस्तान की हुकूमत या कोई भी कश्मीरी हुकूमत जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बेटियों की रखवाली करते हैं, हम बेटियों को इंसाफ देते हैं, हम बेटियों की कदर करते हैं, आज मैं उन हुक्मरानों और उन सियासतदानों से ये पूछना चाहता हूँ, 9 साल गुजरने के बाद भी आपने आसिया और नीलोफर को कौन सा इंसाफ दिया है? और जो उनके कातिल है वो सारे आम खून रहे, उनको जो सारे आम घूम रहे हैं आज भी वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, शोपियान और कश्मीर की आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। और उसके बाद और हमें हमारी केस को सियासत की वोट बैंकिंग के लिए जो आज की चीफ मिनिस्टर साहिबा है वो उस टाइम बड़े दावे कर रही थी कि मुझे आप वोट दे दो मैं आसिया और नीलोफर के कातिल दे दूंगी। उसने तो मतलब कश्मीर के कौम से इसी मतलब खासकर साउथ कश्मीर में किसी इस खासकर मतलब इलेक्शन जो कैंपेन चलाई है वो आसिया और नीलोफर की केस के हवाले से चलाई है। और इवन यहाँ तक कि जो सीबीआई ने हमारे एडवोकेट साहब जो आप भट्ट साहब थे उनको भी मुलजिम बनाया और उसी को कैंडिडेट देकर और आसिया और नीलोफर की के केस के ऊपर एक गंदी सियासत उसने की है कि उन्होंने क्या किया कि शायद मुझे आसिया और नीलोफर की वजह से शोपियां डिस्ट्रिक्ट में वोट सारे मिलेंगे और उन और उसी तरीके से वो हुकूमत में आ गई और उसके बाद वो वादे भूल गए। क्योंकि आज 29 और 30 मई यहाँ 29 मई पे मैं बैठा हूँ, आज से 4 साल 5 साल पहले वो बैठती थी इस मेरी जगह और उसके सारे सबूत यहाँ आपके पास ही है, हमारे पास भी है कि वो इंसाफ ढूंढ रही थी। और आज हम भी मतलब हम पे एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट पे कोई भरोसा नहीं है, मगर हम उसको याद कराना चाहते हैं कि आपने कश्मीरी कौम और ख़ासकर फैमिली से कौन से वादे किए थे। और आज भी हम अपील करते हैं जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री या कंट्री के बाहर है उनका पहले हम शुक्रगुजार हैं और ख़ासकर जो J&K की मीडिया है उसकी भी हम शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद हम अपील करते हैं UNO और अक्वामी मुत्तहिदा की उन ऑर्गेनाइजेशनों को, चाहे उनकी मुसलमानों की हो या बाकी चीज़ किसी की भी हो। और हम कहते हैं कि अभी तक आसिया और नीलोफर के केस की फाइल नई इस तरीके से खोली जाए, मगर इंडियन इंस्टीट्यूट की प्लीज़ हमें इंडियन कंट्री पे कोई ये नहीं है कि उन्होंने 3-3, 4-4 इन्वेस्टिगेशन आसिया नीलोफर की केस की है और चारों रिपोर्ट डिफरेंट आई हुई है और चारों रिपोर्ट मतलब हमको पता है कातिल कौन है और उनको भी पता है कातिल कौन, मगर असल रिपोर्ट ना लोगों के सामने कभी नहीं लाई गई है।